BSNL 4G में दुनिया के नक्शे कदम पर चल रहा है, 5G में दुनिया के साथ चल रहा है और 6G में दुनिया को लीड करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि BSNL बहुत ही जल्द 5G लॉन्च करने वाला है और बहुत जोरों शोरों से BSNL पर काम चल रहा है, तो मुझे कमेंट करिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। तो BSNL जो है वो अभी मतलब BSNL में 4G पर ही काम चल रहा है और ऑल ओवर इंडिया में पूरे 1,00,000 टावर्स लगने वाले हैं, वो भी पूरे मेड इन इंडिया। तो मतलब जो टावर्स लग रहे हैं वो पूरे मेड इन इंडिया हैं और C.DOT और टाटा TCS दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि सब कुछ मेड इन इंडिया हो, इसीलिए BSNL में इतना स्लो काम चल रहा था। अभी काम चालू हुआ है और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है BSNL को, तो BSNL ने थोड़ी स्पीड पकड़ी है और बढ़ रहा है वो आगे बहुत ही स्पीड से। आपको पता है कि जब से टैरिफ हाइक हुए हैं जियो, एयरटेल और VI के, मतलब 3 महीने पहले या 4 महीने पहले के लगभग टैरिफ हाइक हुए थे और लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ हाइक हो गया था। तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और लोगों ने BSNL में पोर्ट होना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने BSNL की नई सिम ली या फिर BSNL पर पोर्ट हो गए। तो आपको पता है कि अगस्त का महीना ऐसा था कि जब जियो, एयरटेल और VI इन तीनों के कस्टमर्स कम हुए थे और सिर्फ BSNL के कस्टमर्स ही ग्रो हुए थे। लगभग 30,00,000 न्यू कस्टमर्स अगस्त मंथ में BSNL के साथ जुड़े थे। तो मतलब ये क्या था कि 4G भी चल रहा था, BSNL में 4G का लॉन्च चल रहा था और साथ में इन लोगों ने टैरिफ हाइक कर दिया, तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम हो गया और BSNL को ऐसा एक मोटिवेशन जैसा मिला। और फिर BSNL में आप देखो कि जब से टैरिफ हाइक हुआ है और लोगों ने BSNL में पोर्ट करना स्टार्ट किया है, तब से BSNL में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पहले तो 4G पर काम चल ही रहा था, मतलब मई 2025 तक BSNL में 4G तो आ ही जाएगा और उसके तुरंत बाद 5G पर काम चालू हो जाएगा। और अभी भी दिल्ली में टेस्टिंग चल रही है BSNL 5G की, तो 5G आ जाएगा मतलब नेक्स्ट ईयर BSNL का 5G ऑल ओवर इंडिया रोल आउट हो सकता है या फिर 25 एंड तक, मतलब 25 में ऐसा बोल रहे हैं कि 5G आ ही जाएगा। तो मतलब एक चीज़ ये हो गई कि 4G टावर्स आ गए, फिर 4G मोबाइल्स लॉन्च करने वाला है BSNL, साथ में लोगो चेंज किया, अपना टैगलाइन चेंज की, उसके बाद BSNL ने 7 सर्विसेज लॉन्च की, D2D सर्विसेज लॉन्च की, IFTV लॉन्च किया, मतलब कि आप बिना किसी डिवाइस के TV चला सकते हो, लाइक जियो और एयरटेल में है लेकिन आपको उसमें सेटअप बॉक्स लगाना पड़ता है, बट इसके लिए आपको कोई सेटअप बॉक्स नहीं है। D2D सर्विस जो कि आपको अभी फिलहाल कोई नहीं देने वाला जियो और एयरटेल में, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। साथ में स्कैम फ्री नेटवर्क देने वाला है BSNL और ATM सिम सर्विस चालू करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें BSNL कर रहा है और जो BSNL के टैरिफ्स हैं वो अभी न्यूज़ में आए हैं कि जो BSNL के टैरिफ्स हैं उसमें कोई भी हाइक नहीं होगा, वो सेम टू सेम चलेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो मैंने पहले लाइन बोली थी क्या उस पर BSNL खरा उतरेगा या फिर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वंदे मातरम।